अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ्स क्लास। नाउ दैट्स माय 8th लेक्चर ऑफ यूनिट 1। द टॉपिक इज ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम बुक पेज 2 to 5। ऑर्डिनल नंबर जो है वो इस चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। मैंने इससे पहले बाकी सारे टॉपिक एक्सप्लेन की, अब ये ऑर्डिनल नंबर इसमें बुक पे इतना रिटर्न वर्क नहीं है, सिर्फ समझने वाला पेज है, वो एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज़ मीन ऑफ ऑर्डिनल नंबर? ऑर्डिनल मीन पोजीशन, यानी नंबर। जैसे कि क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं और वो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब पेपर दे रहे थे, और फिर हम कहते हैं कि इसका क्लास में क्या पोजीशन है, मीन कि इसका क्लास में कौन सी नंबर पे आई है। ये फर्स्ट पोजीशन हम कहते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी पोजीशंस हम इस तरह बताते हैं ना कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड, ये थर्ड पे है। मीन कि ये जो स्टूडेंट है ये क्लास में कौन सी नंबर पे आई है, कौन सी पोजीशन पे आई है, तो पोजीशन ऑर्डिनल को कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लुक एट दी पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड, यानी नीचे आप लोगों को कुछ बच्चों की पिक्चर्स दी है और उसमें कहा है कि बच्चों के जो जो पोजीशन, यानी वो कौन कौन से नंबर पे यहाँ पे खड़े हैं, उनकी पोजीशन फाइंड करें। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 20th तक ये सारे ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट से लेकर 20th तक ऑर्डिनल नंबर है, इसके स्पेलिंग्स हम लर्न करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाई, पहले नंबर पे जो वाई खड़ा है उसको हम पहले नंबर पे, बिल्कुल जो नंबर 1 खड़ा है, नंबर 1 पे, उसको कहते हैं फर्स्ट। फर्स्ट का स्पेलिंग है FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट राइट करेंगे स्पेलिंग में, नंबर में इसको 1 राइट करेंगे, और उसके ऊपर जो फर्स्ट स्पेलिंग के आखिर में जो 2 अल्फाबेट्स है वो उसके ऊपर राइट करेंगे, तो ये नंबर में बन जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड, जो दूसरे नंबर पे जो गर्ल खड़ी है उसको कहते, वो कौन सी पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड का स्पेलिंग है SECOND। अब नंबर में जब हम सेकंड को राइट करेंगे तो 2 और उसके ऊपर सेकंड के जो लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं वो राइट करेंगे, एनडी राइट करेंगे, मीन सेकंड। अब जो तीसरे नंबर पे बॉय फिर से कड़ा है, जिसके हाथ में, जिस के पास बॉल है, जिसके साथ बॉल है, और वो तीसरी पोजीशन पे कड़ा है, और तीसरी पोजीशन को ऑर्डिनल नंबर में कहते हैं थर्ड, THIRD, थर्ड, 3 और उसके साथ RD। नेक्स्ट जो बॉय है वो चौथे नंबर पे, फोर्थ। अब देखें, ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं 4 to 20th, उसके लास्ट में हम TH लगाएंगे, उसके नंबर के साथ हम TH राइट करेंगे। जब उसके लास्ट में TH होगा तो हम इसको पहचानेंगे कि ये ऑर्डिनल नंबर है, मीन जैसे कि ये देखिए, ये 4 का स्पेलिंग मैं इधर राइट करती हूँ, देखिए इसके साथ ये TH है ही नहीं, ये चौथे नंबर पे है, मैंने राइट किया FOUR4। अब इसके साथ TH नहीं है तो ये सिंपल नंबर इन वर्ड्स है, लेकिन अगर आपसे कहे कि इसको ऑर्डिनल नंबर में राइट करें तो इसके साथ फिर TH का होना ज़रूरी है। अगर TH आप नहीं राइट करोगी और ये नंबर ऑर्डिनल में राइट करना हो तो, और राइट किया FOUR सिर्फ, तो ये नंबर जो आपने स्पेलिंग लिखा फोर्थ का, ये गलत होगा। ऑर्डिनल नंबर के साथ ये TH, इसके साथ ST, ND, थर्ड, ये तो अलग बस स्पेलिंग्स है ना, ये लर्न करेंगे, ये बाकी तकरीबन वही स्पेलिंग्स है जो नंबर इन वर्ड्स में है, लेकिन इसके आखिर में TH ही राइट करना। अब नेक्स्ट है 5, देखिए 5 नंबर पे, फिफ्थ पोजीशन के लिए हम फिफ्थ पोजीशन पे ये खड़ा है, लेकिन नंबर जो है वो 5 है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 5 का स्पेलिंग FIVE 5।
अब वी ई की जगह ये देखिए, जब इसको मैं ऑर्डिनल में पढ़ूंगी फिफ्थ फिफ्थ, तो देखिए फिफ्थ FIF, VE की जगह मैंने राइट किया F, FIF, और आखिर में ऑर्डिनल नंबर है तो क्या राइट करेंगे, TH। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सिक्स का स्पेलिंग और उसके साथ TH, SIX TH सिक्स्थ। नेक्स्ट सेवन का स्पेलिंग SEVEN सेवन और उसके साथ TH, तो सेवेंथ। नेक्स्ट है एट, एट, ये देखिए EIGHT, ये एट का स्पेलिंग है, लेकिन हम ऑर्डिनल नंबर में TH राइट करते हैं, जिसमें ये देखिए एट के स्पेलिंग में ऑलरेडी T है, तो हम जस्ट इसके साथ H राइट करेंगे, तो ये बन जाएगा एट। अब ये नाइन्थ है, नाइन के स्पेलिंग को हम राइट करेंगे NINE, उसमें नाइन के स्पेलिंग में NINE है, लेकिन इसके स्पेलिंग में हम ई राइट नहीं करेंगे, NINE, और आखिर में TH, यानी नाइन के स्पेलिंग से ई हटा के वो राइट करेंगे और उसके आखिर में TH। इसको निंद भी कह सकते हैं, नाइन्थ या निंद। अब नेक्स्ट है टेंथ, TEN टेन TH, तो टेंथ। एलेवेंथ का स्पेलिंग, एलेवेंथ, इलेवन स्पेलिंग राइट करेंगे ELE, ये देखिए ELE VEN इलेवन, और आखिर में TH, मीन इलेवन पोजीशन पे ये बॉय है। अब नेक्स्ट पोजीशन जो गर्ल की है वो है ट्वेल्थ पोजीशन। सिंपल नंबर इन वर्ड्स या नंबर इन काउंटिंग में हम ट्वेल्व ट्वेल्व कहते हैं, ट्वेल्व ट्वेल्व जो स्पेलिंग राइट करते हैं ट्वेल्व, ये देखिए TWELVE 12। जिस तरह फाइव के स्पेलिंग में VE था, मैंने VE की जगह F लगाया, तो ये फिफ्थ बन गया, फिफ्थ। इस तरह ट्वेल्व के स्पेलिंग में भी ट्वेल्थ, VE हटा के बन जाएगा ट्वेल्थ। नेक्स्ट है थर्टीन, THIR TEEN 13 राइट करेंगे, उसके साथ TH या सिंपल THIR, फिर टीन का स्पेलिंग। अब 13 से लेकर 19 तक इसको हम थ्री स्टेप में राइट करें, तर फिर टीन, TEEN टीन और फिर TH 13। नेक्स्ट है 14, देखिए फोर FOUR 4 TEEN टीन और आखिर में TH 14। नेक्स्ट है 15, फिफ FIF फिफ TEEN टीन और आखिर में TH। सिक्सटीन, सिक्स SIX सिक्स TEEN टीन और आखिर में TH। सेवनटीन, सेवन का स्पेलिंग SEVEN सेवन TEEN टीन, ये देखिए यहाँ पे N राइट नहीं है, SEVEN सेवन, यहाँ पे मिसप्रिंट है शायद, TEEN और आखिर में TH 17 था। अब 18, EIGH TEEN TH, देखिए एट का स्पेलिंग, फिर टीन, टीन का स्पेलिंग राइट करेंगे, लेकिन एट के स्पेलिंग में टी है, जस्ट EEN और आखिर में TH। अब 19, नाइन का स्पेलिंग NINE, ये ई राइट करें, फिर टीन TEEN टीन और आखिर में TH। अब 20 के स्पेलिंग को देख, देखिए 20 का ये स्पेलिंग है TEEN TY 20। ऑर्डिनल नंबर में हम इस वाई को हटा के इसकी जगह आ जाएगा IE, TEEN TIE और आखिर में तो TH हम राइट ही करते हैं, तो ना 20, TEEN TIE TH। अब नेक्स्ट पेज फोर पे आ जाए, पेज फोर पे है राइट द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आप लोगों को गिवन है, जिसमें वो एनिमल जो है वो एक कतार में खड़े, एक लाइन में खड़े हैं। कह रहे हैं कि हर एक एनिमल के का अपना अपना पोजीशन है,
अपने अपने नंबर पे वो खड़े हैं, तो वो पोजीशन नीचे जो आप लोग को पिक्चर दी है उन उन एनिमल्स के पोजीशन सामने, उसके सामने राइट करना है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप ये देखिए सही प्रॉपर रीड करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए राइट साइड हमारा वो साइड है जिसे हम खाना खाते हैं, सिंपली बस इसी तरह आप लोग पहचानते हो, वो राइट है। ये दूसरा साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड मीन कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे ऐसे आगे जाना है। मैंने अपने लिए पहले इसके ऊपर नंबर्स राइट कर ली। अब यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी राइट है। फर्स्ट क्या है ये पिक्चर को ज़रा देखे, को मीन मोर। अब ये कौन सी पोजीशन में लाइन में खड़ा है, लाइन में जो आप लोग को जो कतार दिया है ये कौन सी पोजीशन पे, ये बिल्कुल पहले नंबर पे। इसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है। अब इसको हम वन राइट करेंगे, नंबर्स में राइट करेंगे, उसके ऊपर ST। अब फिर दूसरा पिक्चर पिक्चर है कैट का, कह रहे हैं कि कैट जो है वो कौन सी पोजीशन पे, कौन से नंबर पे है। तो यहाँ से काउंटिंग करें, ये देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो टू उसके ऊपर ND। अब फिर है डॉग। अब इस लाइन में ये देखिए डॉग किधर है, डॉग को ज़रा देखिए गौर से, ये वाइट कलर डॉग है और ये वाला ब्लैक कलर है, तो यही डॉग है। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 और इसके ऊपर RD। नेक्स्ट है लाइन। अब लाइन कौन सी पोजीशन पे, ये देखिए लाइन इधर है, ये है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 8 पोजीशन पे है, यहाँ पे राइट करेंगे 8। अब नेक्स्ट है जेब्रा, ये कौन से पोजीशन पे है, ये 6 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 6 राइट करके TH6। अब लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कैमल कैमल है, और कैमल इस पूरी लाइन में बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, मीन नंबर 10 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 10 पोजीशन। अब आते हैं नीचे नीचे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राइट ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू 10, यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग्स राइट करने। अब फर्स्ट FIRST फर्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे, SECOND सेकेंड, थर्ड का क्या स्पेलिंग है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIF TH फिफ्थ, SIX TH सिक्स्थ, SEVEN TH सेवेंथ, EIGH TH एट्थ, नाइन्थ NIN TH नाइन्थ या निन्थ, TEN TH टेंथ। इसके साथ मैं ये पेज 5 भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ज़्यादा वर्क नहीं है, ये एक्टिविटी टाइप है, इसलिए मैं साथ में ये वाला पेज भी एक्सप्लेन कर लूँगी, पेज नंबर 5। राइट द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन गिवन बिलो, ये आप लोग को बिल्कुल पेज नंबर 2, इससे पहले वाले पेज पे आप लोग को यही चाइल्ड पिक्चर दिया था और उसमें वो एक कतार में खड़े थे। यहाँ पे अब ये एक सर्कल फॉर्म में ये बच्चे सारे खड़े हैं और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इसमें इस बच्चे का क्या पोजीशन है, कौन कौन से नंबर पे खड़े हैं। ये देखे तो हम पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, पीछे से मैं ये निकालती हूँ, यहाँ से देखिए इसको और इसको देखिए, ये देखिए पहले यहाँ से हम देखें कि ये कौन से नंबर से स्टार्ट किए, फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद ये है, ये देखो यहाँ पे तो 19 है, मीन कि हम इस साइड पे नहीं आ रहे, हमने इस साइड पे जाना है। तो सेकंड नंबर जो है वो गर्ल है, ये वाला, ये वाली गर्ल है, ये देखो ये, तो ये कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे नंबर में सेकंड राइट कर लेंगे,
लाइन लगा के राइट करते, लेकिन बुक पे राइट नहीं करना, रफ नोटबुक में करना। फिर थर्ड, और ये इसी तरह तरतीब में बिल्कुल सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, पीछे से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ, TH, सिक्स के साथ TH। अगर आपने इसके साथ ये TH और ये एंड ये RD नहीं राइट किया, तो ये सिंपल नंबर 3, 4, 5 हो जाएंगे, जबकि ऊपर आप लोगों से पोजीशन का मीन ऑर्डिनल नंबर का कहा है, तो इसके साथ ये TH, ND, ST, RD ये होना ज़रूरी है, इट्स मस्ट। फिफ्थ, सिक्स, फिर ये है 7, फिर नेक्स्ट क्या है 8, नेक्स्ट 9, फिर 10th, 11, यहाँ पे क्या आएगा 12th आएगा, ये देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्या आएगा 13, फिर 14, नेक्स्ट क्या है 15th नंबर, नेक्स्ट 16, 17th, 18th, 19th एंड द लास्ट वन इज 20th। ये ऑर्डिनल नंबर है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मीन फर्स्ट से लेकर 20th तक सारे स्पेलिंग्स लर्न करें। थैंक यू।